रोड नहीं होने से सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ निकले छात्र, छात्र सड़क पर जमकर लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में बीते 40 वर्षों से 50 गांव से अधिक लोगों की आगमन वाले मुख्य मार्ग नहीं बनने से आंगरी गांव के दर्जनों युवाओं ने आंगरी मोड़ समीप सरकार हाय हाय, डीएम अंकल रोड बनवाओ, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो पंचायत चुनाव का होगा बहिष्कार, नारे लगाकर घंटों प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता आनंदी सिंह कुशवाहा ने बताया कि बीते 40 वर्षों से अगर यूं कहे तो मेरे जन्म से पहले सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है, जिससे कि बरसात के मौसम में राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या वजह है जो एमएलए से लेकर विधायक तक बीते 40 वर्षों से रोड नहीं बनवाया गया? अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो गांव से महज 5 किलोमीटर दूरी पर जगदीशपुर स्वास्थ्य रेफरल अस्पताल है, लेकिन गांव में एम्बुलेंस प्रवेश नहीं करता है। वहीं अंगारी गांव के रहने वाले छात्र अल्पना कुमारी ने बताया कि रोड नहीं रहने के कारण से कई बार मेरे साथ हादसा हुआ है, कई चोटें आई, स्कूल जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, महीने भर में 2-3 बार साइकिल खराब हो जाती है, जिसको लेकर हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि एक छात्रा की जिंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं होता है। बरसात के मौसम में रोड खराब होने की वजह से कोचिंग संस्थान पढ़ने नहीं जा पाते हैं, सड़क खराब है, एक तरफ बरसात हो रही है तो कैसे जा सकते हैं, ये हम लोगों की मजबूरी है। सरकार को कहना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके सड़क का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि सरकार ने जिम्मेदारी एक मुखिया प्रतिनिधि को देती है, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि लिपापोती कर देते हैं। रिपोर्टर अमरजीत सिंह, भागलपुर।